पाकिस्तान के विधानसभा की भी हालत कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि वो भी सुरक्षित नहीं है। पाकिस्तान में विधानसभा पर भीड़ ने हमला कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा में विधानसभा पर जो हमला हुआ उसकी तस्वीर इस वक्त हम आपके सामने रख रहे हैं। विधानसभा कैंपस में प्रदर्शनकारी दाखिल हो गए, वहां पर पथराव किया गया, ना कोई रोकने वाला ना कोई टोकने वाला, खुलेआम जमकर पत्थरबाजी। खैबर पख्तूनख्वा के विधानसभा को आप देख रहे हैं जहां पर असेंबली पर हमला किया, वहां पर कुछ फायरिंग की भी आवाज सुनाई दे रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि खैबर पख्तूनख्वा इस प्रांत में फिलहाल पीटीआई की सरकार यानी इमरान खान की पार्टी की सरकार है, और इमरान खान की पार्टी की सरकार होने के बावजूद इमरान खान ने कहा कि हम FIR दर्ज करवाना चाहते थे, लेकिन फौज के खिलाफ कोई FIR तक दर्ज करने के लिए तैयार नहीं है, और उनके ऊपर ही उल्टा ऐसे मुकदमे लगाकर उनको जेल में डाला गया है। हालांकि इसमें दोनों पक्षों को देखना चाहिए। अगर इमरान खान के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अराजक तत्वों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। पाकिस्तान में रेडियो स्टेशन पर हमला हुआ है। पीटीआई के समर्थकों ने रेडियो पाकिस्तान को आग के हवाले कर दिया है और पूरा रेडियो स्टेशन जलकर खाक हो गया। आग की लपटें इतनी तेजी से बढ़ी कि थोड़ी ही देर में आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा रेडियो स्टेशन है जलकर खाक हो गया। तो रेडियो स्टेशन जो कि एक पब्लिक प्रॉपर्टी है, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, जिसको निशाना बनाया गया, उसे आग के हवाले कर दिया गया है। तो इस्लामाबाद की तस्वीर आप देख रहे हैं, कैपिटल यानी कि राजधानी में यह हालत है कि एक रेडियो स्टेशन को आग के हवाले कर दिया गया, जबकि यहाँ पर इतनी हाई सिक्योरिटी होती है। बहरहाल के रावलपिंडी जिसे कि गैरिजन जिसे माना जाता है, हेडक्वार्टर है पाकिस्तान आर्मी का, अगर वहाँ पर हम देख सकते हैं कि कमांडर के घर पर हमला हो सकता है, ट्रेनिंग सेंटर पर हमला हो सकता है, फिर तो राजधानी की भी क्या सुरक्षा रही होगी, ये समझ सकते हैं। पाकिस्तान के हर शहर में आगजनी हो रही है, हर शहर में तोड़फोड़ की तस्वीरें सामने आ रही हैं। लाहौर में ऑडी का एक शोरूम है, आप जानते हैं महंगी कार है, प्रीमियम कारों का ये शोरूम है, और वहां पर शोरूम को ही आग के हवाले कर दिया गया। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे पूरा लाहौर शहर ही जल रहा है। लाहौर की सड़कों पर गाड़ियां जल रही हैं, प्रदर्शनकारियों ने कई गाड़ियां जला दी हैं। तो लाहौर की तस्वीरें आप देखिए कि इतना बड़ा शहर, इतना खूबसूरत शहर, और वहां पर इस तरह से हंगामा हो रहा है, गाड़ियां जलाई जा रही हैं, शोरूम जलाए जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि पंजाब वो सूबा जहां पर कि पीटीआई की ही सरकार है, पीटीआई की गवर्नमेंट है यानी कि इमरान खान की ही पार्टी की सरकार है, वहां पर लोग बेकाबू हो जाते हैं। और ये देखिए ऑडी कार जिसका जिक्र मीनाक्षी आप कर रही थी, आप सोचिए कि भारत में सबसे सस्ती ऑडी कार करीब 40 लाख या 50 लाख की होगी, तो पाकिस्तान में उसकी डबल ट्रिपल होती है, करोड़ों की कीमत होगी, इतनी महंगी होती है। वहां पर इस तरह से गाड़ियों को जला देना, ऑडी के शोरूम में जाके हमला कर देना, अपने आप में बताता है कि लोगों का गुस्सा किस कदर भड़का हुआ। जहां आटे और चावल के लाले पड़े हैं, वहां पर इस तरीके से अगर गृह युद्ध की स्थिति खड़ी हो जाए तो फिर आम जनता की कमर तो टूटनी ही है। एक और तस्वीर रावलपिंडी से आप देखिए, मेट्रो स्टेशन यहां पर आग के हवाले कर दिया गया। वैसे तो विकास के नाम पर पाकिस्तान में कुछ हो पा नहीं रहा, और जो विकास हुआ है अब तक उसे भी आग के हवाले कर दे रहे हैं। अब इमरान खान ने जो आग लगाई है उसकी आज पूरे पाकिस्तान में दिखाई दे रही है। पाकिस्तान में गृह युद्ध की स्थिति है। ऑडी का कोई कार शोरूम हो, आम लोगों की कारें हो, सड़क पर खड़ी कारें हो, या फिर ये मेट्रो स्टेशन जो आम लोगों के लिए ही है उसे भी आग के हवाले कर दिया गया है। इमरान खान के समर्थन में शहर शहर प्रदर्शन किया जा रहा है, आज़ादी के नारे भी लगाए जा रहे हैं। एक तस्वीर खैबर पख्तूनख्वा की देखे जहाँ पर प्रोटेस्ट सामने आया, ये तस्वीर आप देखे, नारा तकबीर अल्लाह अकबर के नारे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।